दोस्तों, अगर आप भी YouTube या Facebook पर अपलोड करने के लिए ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा कमाल का सॉफ्टवेयर जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले प्रोफेशनल क्वालिटी के ट्यूटोरियल्स वीडियो बना सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे Wondershare डेमो क्रिएटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपको अपने PC पर इंस्टॉल करना होगा। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप Wondershare डेमो क्रिएटर की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। Wondershare डेमो क्रिएटर का ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज और मैक दोनों पर यूज कर सकते हो। इसे आप विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 64 बिट पर आराम से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका फ्री वर्जन यूज करके देखेंगे। इसके लिए हमें यहाँ फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब ये सॉफ्टवेयर आपके PC पर इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोडिंग प्लीज वेट। तो अब ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। Wondershare डेमो क्रिएटर, न्यू रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप वर्चुअल अवतार रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, गेम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, शेड्यूल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा Wondershare डेमो क्रिएटर। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जोन कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप स्क्रीन में किस तरह से रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फुल HD, HD। अगर आपको पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड करना है तो पोर्ट्रेट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कस्टम साइज जोन के ऑप्शन मिल जाते हैं, कस्टम साइज, कस्टम जोन, कैप्चर विंडो, अगर कोई विंडो रिकॉर्ड करनी है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया के शॉर्टकट्स भी यहाँ दिए गए हैं। यूट्यूब की वीडियो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है 16:9, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, या फिर स्टैंडर्ड जो भी आपको रखना है वो रेजोल्यूशन आप यहाँ सेट कर सकते हो। आप इसमें वर्टिकल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पर स्क्रीन 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारी स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका माइक्रोफोन कौन सा आप यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी माइक्रोफोन आपको यूज करना हो। अगर आप माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहते हो यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो। अगर आप अपना वेबकैम भी साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने फेस के साथ, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। अपने कैमरे का प्रीव्यू अगर देखना है इधर क्लिक करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कैमरा यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है। कैमरे के नीचे भी कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो अपने वेब कैमरा को सर्कल फॉर्म में करना, इस तरह की फॉर्म में अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो सर्कल कर सकते हो, इस तरह का कर सकते हो। और आप चाहो वर्चुअल बैकग्राउंड, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसे रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो इसकी बैकग्राउंड भी आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर मिरर का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप अपने वेबकैम को इस तरह से मिरर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मुझे सिर्फ यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह का एक पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप कर्सर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कर्सर का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा इसमें पेन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं पेन का ऑप्शन आ रहा है। पेन का कलर आपको क्या रखना है, इसके अलावा जो इसकी लाइंस हैं उसकी मोटाई आपको क्या रखनी है वो आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो ये वाला हमारा पेन है, इसकी मोटाई मैं 3px रखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं मान लो यहां पर कलर सिलेक्ट कर लेता हूं ग्रीन। ये मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मान लो मुझे कुछ भी यहां पर मार्क करना है, मान लो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूं, मुझे कुछ समझाना है, तो मैं इस तरह से अपने पेन से यहां पर टिक वगैरह कर सकता हूं। साथ ही साथ टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह इसमें ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद यहां पर एक सर्कल का ऑप्शन आ रहा है, मान लो कोई भी चीज आपको यहां सर्कल में दिखानी है तो इस सर्कल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसके साइज को हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। इसे मुझे इस तरह से करना है तो मैं इस तरह से यहां पर एक सर्कल के अंदर इसे शो कर सकता हूं। इसी तरह से स्क्वायर शेप यहां पर मिल जाती है, स्क्वायर शेप को भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हो। मान लो ये स्क्वायर शेप हमें मिल गई, मुझे कुछ भी इस तरह से हाईलाइटेड करना है वो मैं यहां पर कर सकता हूं। उसके बाद आपको यहां पर कुछ एरोज वगैरह मिल जाते हैं, लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ रहा है, स्पॉटलाइट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो किसी भी चीज को आप यहां पर इस तरह से स्पॉटलाइट में दिखा सकते।
सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे सर्कल में ये आ रहा है, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ भी अगर इस तरह से स्पॉट लाइट में दिखाना है तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, कोई ट्यूटोरियल देना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख कर भी पढ़ा सकते हो। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो तो व्हाइट बोर्ड से भी आप पढ़ा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक क्लियर ड्रॉइंग का ऑप्शन आ रहा है, जो भी ड्रॉइंग आपने बनाई है उसे अगर आपको क्लियर करना है तो इस पर क्लिक करके आप सारी ड्रॉइंग वगैरह क्लियर कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर आपको कुछ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज करना हो तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हो। तो मेरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का वीडियो एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाता है और जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी रिकॉर्डिंग फाइल यहाँ दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तीन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी टाइमलाइन है इस पर आपको तीन ट्रैक दिखाई देंगे। इसमें ये हमारी ऑडियो ट्रैक है और ये हमारी वेबकैम वाली ट्रैक है और ये नीचे वाली जो ट्रैक है ये है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली ट्रैक। सबसे अच्छी बात ये है हमारा जो वेब कैमरा है वो यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड हुआ है, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड हुई है और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ट्रैक भी अलग से रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू प्ले करके देख सकते हो। मैं इसे प्ले करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब इसको अगर आपको क्रॉप करना है, रिसाइज करना है, एडिट करना है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा बीच वाला जो ट्रैक है ये हमारे वेबकैम का ट्रैक है। जैसे ही आप इस ट्रैक को सिलेक्ट करोगे आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, एक इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करोगे अब आप अपने वेब कैमरे को यहाँ से एडिट कर सकते हो। इसका कलर करेक्शन करना हो वो आप कर सकते हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके साइज को आपको या ज्यादा करना है वो भी आप कर सकते हो। यहां आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे स्केल कर सकते हो, इसके साइज को कम ज़्यादा करना हो वो आप कर सकते हो। आपको इसे अगर रोटेट करना हो वो भी आप कर सकते हो और जहाँ भी आप इसे प्लेस करना चाहो स्क्रीन पर उसे आप जहाँ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ट्रैक में मान लो जो आसपास का एरिया है, जो फालतू एरिया है उसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप के बटन पर आप क्लिक करो और यहाँ से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। जो नीचे का एरिया मैं चाहता हूँ, ये वाला नीचे का जो पोर्शन है, हमारे जो आइकन वगैरह आ रहे हैं पीसी के वो यहाँ पर दिखाई ना दे, तो मैं इस तरह से यहाँ पर इसे क्रॉप कर दूंगा और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर सकते हो, कट कर सकते हो, जो भी पार्ट आप चाहते हो वीडियो में नहीं रखना उसे आप यहाँ कट कर सकते हो। इस वीडियो एडिटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर AI रिकॉग्निशन वाला जो इफेक्ट है इसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जिस ट्रैक पर आपको चाहिए उस ट्रैक पर आप इसे ड्रॉप कर दीजिए। जैसे हम ड्रॉप करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर हमारे कैमरे का आसपास का जो भी बैकग्राउंड था वो यहां से रिमूव हो गया है। AI रिकॉग्निशन यहां हो चुका है फेस का और ये इस तरह से इफेक्ट काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लर बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह से जो ब्लर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इसे जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है हमारी ब्लर हो चुकी है। तो बैकग्राउंड को इस तरह से आप ब्लर कर सकते हो, तो ये इफेक्ट भी काफी यूजफुल इफेक्ट है। इसके अलावा मिरर इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर ओवरले का एक इफेक्ट दिया गया है। इसी तरह के इफेक्ट आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा मोज़ेक इफेक्ट है, सिनेमा स्टाइल है, फेसियल है, बेसिक ब्लर है, इस तरह के कई सारे इफेक्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके वीडियो में कहीं पर कट लगा हुआ है उसके बीच में आप इस ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा इफेक्ट यहाँ पर लग गया, ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। कोई भी टेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर लगानी है, कोई इस तरह का एनोटेशन टेक्स्ट या लगाना है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। बहुत सारे टेक्स्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कैप्शंस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको कैप्शंस ऐड करने हैं तो वो आप कैप्शंस
बटन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, स्टिकर्स वगैरह आप इसमें लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ फिल्टर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से जो भी फिल्टर आपको यूज़ करना हो वो फिल्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जूम टू बॉटम वाला इफेक्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरह के जो आपके की फ्रेम वाले इफेक्ट हैं वो यहाँ मिल जाते हैं, जूम इन का इफेक्ट, जूम आउट का, कर्सर का इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये कर्सर हाईलाइट का ऑप्शन मिल रहा है, कर्सर स्पॉटलाइट का ऑप्शन मिल रहा है, कर्सर मैग्नीफाइंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक रिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अब मान लो ये कर्सर मैग्नीफाई वाला ऑप्शन आपको यूज करना है, तो सिंपल आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे ये जो हमारा कर्सर का इफेक्ट है इसके ऊपर लग चुका है। अब जहाँ भी आपका कर्सर जाएगा वहाँ पर आपको इस तरह का मैग्नीफाइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो जहाँ पर भी हमारा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पर इस तरह से एक मैग्नीफाई ग्लास बन के आ जाता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैग्नीफाई इफेक्ट आप देख सकते हो कर्सर के ऊपर। तो जो भी आपका कर्सर जहाँ भी मूव करेगा वहाँ पर इस तरह का मैग्नीफाइंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट यहाँ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कर्सर हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस इफेक्ट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखोगे जहाँ भी हमारा कर्सर है वो एक तरह का हाईलाइटेड हो जाएगा, यहाँ पर येलो कलर से ये हाईलाइट हो चुका है हमारा कर्सर। अब इसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे रेड करना हो ये रेड हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कलर आपको लगाना हो वो कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर्सर के इफेक्ट देखने मिल जाते हैं, कर्सर हाईलाइट, कर्सर स्पॉटलाइट, कर्सर मैग्नीफाई, क्लिक रिंग, क्लिक साउंड। इसके अलावा टेक्स्ट बिहेवियर्स का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट बिहेवियर्स में आप देख सकते हैं इसमें आप जो टेक्स्ट लगाओगे उसके इफेक्ट को यानी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो, एनोटेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इस तरह के टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना हो, ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं, फिल्टर्स मिल जाते हैं, ऑडियो के ऑप्शन दिए गए हैं, एसएफएक्स स्टोर यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हो, और वीडियो को इस तरह से एडिट करने के बाद जब आपकी वीडियो यहाँ पर एडिट हो जाए उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट MP4 जो भी फॉर्मेट आपको रखना हो वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसे आप चाहो अपने PC में जिस भी फोल्डर में डाउनलोड करके सेव करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, आप इसका बैकअप क्लाउड पे भी ले सकते हो। इसके अलावा इसे आप वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट में रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, यूट्यूब या टिकटॉक या वीमियो पर डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो तो उसके ऑप्शन भी यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्वालिटी सेट कर सकते हो, हाई, मिडिल, नॉर्मल, जो भी आपको रखनी है वो सिलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और कुछ ही टाइम बाद ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपके सिस्टम पर जाके सेव हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का यूजफुल सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो एडिटर भी मिल जाता है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि एक बार जरूर आप इसका फ्री ट्रायल यूज करके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसका प्रो वर्जन भी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, जो मंथली प्लान है वो है $15 पर मंथ, एनुअल प्लान है $59.99 पर ईयर, इसके अलावा लाइफ टाइम प्लान है $75 एक बार आपको पे करना है, उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम के लिए यूज कर पाओ। तो दोस्तों वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।